हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद असलम, कार ट्रेनर, स्कूल मास्टर कार ट्रेनर। दोस्तों, आज मैं आपको बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, और ख़ासकर जो ये मिरर जो है, राइट का मिरर और लेफ्ट का मिरर, लेफ्ट का मिरर कहाँ तक होना चाहिए, राइट का मिरर में हमको क्या दिखना चाहिए, क्या किस लेवल तक हमको राइट का मिरर रखना है ताकि हमारे को जो है मालूम पड़े कि हमको पीछे का हिस्सा दिखे। तो पीछे के हिस्से में क्या दिखना चाहिए, क्या पूरी गाड़ी दिखनी चाहिए, क्या सिर्फ डोर दिखना चाहिए, या पीछे खाली लाइट दिखनी चाहिए, या कार का हैंडल दिखना चाहिए पीछे का, तो वही आपको बताने वाला हूँ कि हम क्या एडजस्ट करें और कैसे एडजस्ट करें। तो उसके बारे में आज मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ कि बेसिक नॉलेज है। जब भी गाड़ी के अंदर बैठे दोस्तों, ये मिरर जो होते हैं ना, ये मिरर हमारी तीसरी आँख है, ये हमारी तीसरी आँख मिरर है। राइट से कौन फॉलो कर रहा है हम मिरर में देख सकते हो, लेफ्ट से कौन फॉलो कर रहा है हम मिरर में देख सकते हो। जब ब्रेक मारते हम तो बैक मिरर, पीछे लुकिंग ग्लास देखेंगे तो मालूम पड़ता है गाड़ी कितने डिस्टेंस में हमारे पीछे चल रही है, तो ब्रेक मार के हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो ये मिरर जो है हमारी तीसरी आँख है, ये तीनों मिरर, मिरर को फॉलो करने से जो है हमारी खुद की सेफ्टी भी होती है और सामने वाले की भी सेफ्टी होती है, और जो पीछे से ओवरटेक कर रहा है उसके लिए भी सेफ्टी होती है। दोस्तों, गाड़ी चलाना बहुत अच्छी स्किल है, बहुत अच्छा हुनर है गाड़ी चलाना। इस हुनर को जितने आप एहतियात से चलाओगे उतना आप सेफ रहोगे और सामने वाला भी सेफ रहेगा। तो दोस्तों, चलो मैं आपको बताता हूँ कि मिरर को किस तरह एडजस्ट करते हैं। देखिए भाई, ये मिरर है, ये मिरर जो दिख रहा है आपको, ठीक है दोस्तों, ये मिरर है। अब यहाँ पे जो देखिए, ये एडजस्ट वगैरह है, ये अभी बीच में है, ठीक है। अब ये मिरर यहाँ पे लिखा हुआ है मिरर एडजस्ट करने का, देखिए ये मिरर यहाँ पर है। अभी इसका क्या दिखना चाहिए, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या दिखना चाहिए, अभी जैसे मिरर में पीछे का डोर दिख रहा है अपने को, ठीक है, उसी तरह ये लेफ्ट का मिरर है। तो मिरर में जो है पीछे का, अभी ये लेफ्ट में पीछे का जो है, पीछे का डोर का जो खास हैंडल दिख रहा है ना दोस्तों, हाँ ये इतना दिखना चाहिए पीछे मिरर का, ठीक है, और राइट मिरर का भी पीछे का हैंडल दिखना चाहिए। अब आ जाते हैं ये बेसिक चीज़ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दिख रहा, अच्छा मेरे एक स्टूडेंट थे, मैं उनका नाम बताना भूल गया, कदरुल इस्लाम बोल के, उन्होंने मुझसे सवाल किए थे कि उनका जो है क्लच जब छोड़ते हैं तो गाड़ी उनकी बंद पड़ जाती है, तो उसका क्या इलाज है, उसको क्या कैसा हैंडल करना चाहिए। तो कदरुल इस्लाम भाई, क्लच को जब आप छोड़ते हैं, क्लच को जब धीरे धीरे छोड़ते हैं तो गाड़ी हल्का सा मूव हो जाती है। जैसे गाड़ी हल्का सा मूव होती है तो वहीं पे क्लच को होल्ड करना है, मतलब सडनली पूरा छोड़ना नहीं है, एकदम हल्का होल्ड करना है गाड़ी को, थोड़ा हल्का चलने दीजिए फिर और धीरे धीरे क्लच को छोड़िए, तो गाड़ी कभी आपकी बंद नहीं पड़ेगी। या दूसरा तरीका ये है, जैसे अभी ये देखिए क्लच है, अभी ये क्लच है, देखिए यहाँ पर ये एक्सेलरेटर ब्रेक क्लच, अब ये क्लच को जो मैं, देखिए अभी ये जो क्लच जो है ना, एक क्लच को जो मैं ये दबा दिया, ठीक है, अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, ये क्लच को मैं दबा दिया, ठीक है दोस्तों, कदरुस्सलाम, ये क्लच को मैंने पंजे से दबाया है, ठीक है। अब मैं इसको धीरे धीरे छोड़ता हूँ, धीरे धीरे छोड़ूंगा तो गाड़ी ऑटोमेटिक मूव होगी। देखो धीरे धीरे छोड़ता हूँ मैं, एकदम धीरे धीरे। अब मेरा पैर का पोजीशन देखिए कैसा छोड़ रहा हूँ मैं, अब मैं क्लच को छोड़ने लगा तो गाड़ी एक्टिव हो गई और गाड़ी चलने लगी, देख रहे हैं आप, ठीक है, यह गाड़ी चलने लगी। फिर मैंने इसको स्टॉप कर दिया, अभी वापस से मैंने क्लच को छोड़ दिया, अब वापस क्लच को पूरा दबाया और ये क्लच को छोड़ा धीरे धीरे, अब यह गाड़ी मूव होने लगी, देखिए अब यह गाड़ी मूव हो रही है। तो बहुत ही आसान है कदरुल इस्लाम भाई, गाड़ी को जो क्लच को छोड़ना बहुत आसान है, बस दो तीन ट्रिक है, उसको ट्रिक को याद रखना है। क्लच को छोड़ने का जो ट्रिक बताया मैंने कि क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, जैसा गाड़ी मूव होती है तो क्लच को हल्का सा होल्ड करते हुए और मूव होने दीजिए, जब गाड़ी का पिकअप पकड़ेगा तो क्लच को छोड़ते जाइए धीरे धीरे, ठीक है, क्लच को तोड़ने का, छोड़ने का आसान तरीका है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों ये कि जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं भी इसके ऊपर एक मतलब सीरीज़ बनाने वाला हूँ कि फर्स्ट गियर में अपना बेसिक चीज़ें, जो नए बिगनर्स है, जो लर्नर्स है, जो नए नए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन बिगनर्स के लिए मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ कि किस तरह जो है बेसिक को सीखते हुए क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, स्टेयरिंग, राइट मिरर, लेफ्ट मिरर और रिवर्स पार्किंग वगैरह जो है, और गाड़ी को कंट्रोल करने का, कहाँ ब्रेक लेना कैसा करना है, इन सब की मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ, तो ताकि न्यू बिगनर्स को जो समझ में आ जाए कि भाई ये चीज़ से क्या होता है, ये चीज़ को अप्लाई करने से क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों,
गाड़ी चलाना बहुत ही आसान है अगर आपने दिल पे ले लिया तो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। और ये मेरा जो मैंने अभी मिरर के बारे में बताया और कलश के बारे में बताया, कदर इस्लाम भाई थैंक यू सो मच, आपने कमेंट्स लिख के बताए, थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, बाय बाय।